दुनिया में हर समय कहीं ना कहीं कुछ अजीब घटनाएं होती रहती हैं। इनमें से कुछ घटनाएं तो आम होती हैं, जो हमारे पास आमतौर पर होती हैं, लेकिन कई बार कुछ ऐसी घटनाएं सामने आ जाती है, अगर उनको कैमरे में ना रिकॉर्ड किया गया होता तो शायद हम उन पर विश्वास ना कर पाते। आज की इस वीडियो में हम आपको कुछ ऐसी ही चीजें दिखाने वाले हैं जिनको कैमरे में कैद कर लिया गया, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए दर्शक हो तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। डिमेंटोर, ये आसमान में घटी एक ऐसी घटना है जिसे एक्सप्लेन कर पाना बेहद ही मुश्किल है, और हो सकता है कि कई लोग इस पर विश्वास न कर पाए। इस घटना ने एक तरफ पूरे इंटरनेट को शोक में डाल दिया। दोस्तों, आप लोगों ने डिमेंटोर के बारे में तो सुना होगा, जो लोगों की आत्मा को चूसते हैं और लोगों की खुशियों को बर्बाद कर देते हैं। लेकिन दोस्तों, अगर आपको ऐसा लगता है कि ये तो सिर्फ हैरी पॉटर की मूवीज में हो सकता है, तो एक बार आप इस फोटो को जरूर देखिए, जो आपको ये मानने पर मजबूर कर देगी कि डिमेंटोर सच में होते हैं। आसमान में उड़ती हुई इस अजीब सी डायमंड शेप चीज के बारे में आपका क्या ख्याल है, जो कि इंटरनेट पर किसी ने अपलोड कर दी और माना जाता है कि इसको जाम्बिया से अपलोड किया गया। लेकिन दोस्तों, इंटरनेट के जरिए ये न्यूज पूरी दुनिया में फैल गई और हर किसी के मन में ये सवाल खड़ा हो गया, क्या डिमेंटोर सच में होते हैं। लेकिन फिर बाद में एक रिपोर्ट में इस बात को खारिज किया गया। कहा गया कि ये एक सिंपल पाइप था जिसे इस फोटो में डिजिटली ऐड किया गया। खैर, इससे जुड़े कुछ ऐसे सवाल हैं जो आज तक हमारे मन में मौजूद हैं, जिसका जवाब नहीं मिल पाया। बिगफुट दोस्तों, जिसने भी इस घटना के बारे में सुना या पढ़ा या देखा, वह सब जानना चाहते हैं कि क्या बिगफुट रियल में होते हैं, तो इसका उत्तर आपको इस वीडियो में मिल ही जाएगा, तो इस वीडियो को पूरा देखिए। दोस्तों, बहुत से बायोटेक्नोलॉजिस्ट जंगलों में रिसर्च करने के लिए कैमरा सेटअप करते हैं, और वे कैमरा सेटअप करके इस बारे में स्टडी करते हैं कि कैसे जानवर और पेड़ पौधे बिहेव करते हैं, वे किस तरह से विकसित होते हैं। और वे ये कैमरा सेटअप इसीलिए लगाते हैं क्योंकि वे पूरा टाइम तो जंगलों में नहीं रह सकते। और कुछ ऐसा ही एक काम एक ग्रुप के लोगों ने मिशिगन की प्लेट रिवर स्टेट हैचरी पर किया, ताकि वे चिड़ियों के घोंसले का एकदम क्लोज व्यू ले सकें। लेकिन वहां उन्होंने कुछ ऐसा देखा जो कि बहुत ही शॉकिंग था। पहले तो किसी ने पहचाना नहीं, मगर जब इसे जूम करके देखा गया तो सभी लोग दंग रह गए, क्योंकि उसमें उन्होंने नीचे ग्राउंड पर एक रहस्यमय जीव देखा जो कि पहले किसी ने नहीं देखा था। इसकी सबसे खास बात थी कि ये इंसानों की तरह दो पैरों पर खड़ा हो सकता था, और इसकी बॉडी पूरी तरीके से फर से कवर्ड थी। इस तरह की घटना पहले अमेरिका और कनाडा में भी देखी जा चुकी थी, और अब ये घटना भी कुछ उसी प्रकार थी। डांसिंग मैरमेट, दोस्तों वैसे तो मैरमेट को अनरियल और काल्पनिक माना जाता है, लेकिन ये घटना आपके इस नजरिए को बदल देगी। आप अपने आप से पूछोगे कि क्या सच में मैरमेड होते हैं। इजराइल के एक शहर की रात याम के लोगों ने जलपरी देखे जाने की सूचना दी, लेकिन दोस्तों अब ये सवाल खड़ा होता है कि सूचना देने वाले लोगों को ये कैसे पता कि ये मैरमेड है। तो दोस्तों, आपको बता दें कि एक रिपोर्ट के मुताबिक एक युवा लड़की और डॉल्फिन का मिश्रण था। साल 2010 में NBC की एक इन्वेस्टिगेटिंग टीम ने की रात याम के बीच फिल्मिंग की, वो भी पूरे एक हफ्ते तक। उन्होंने ये दावा किया कि उन्होंने एक जलपरी को देखा है, लेकिन वह इसका ट्रैक नहीं रख पाए। हालांकि ये बात कितनी सच है और कितनी झूठ, इसका आज तक नहीं पता चला। फ्लाइंग स्पगेटी मॉन्स्टर, दोस्तों अक्सर ऐसा होता है कि जब भी हमें किसी ऐसी घटना का ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं मिलता जो कि हमारे नेचर में घटी होती है, तो उसका नामकरण हम खुद ही कर देते हैं। और कुछ ऐसी ही ये घटना है फ्लाइंग स्पगेटी मॉन्स्टर की। फ्लाइंग मॉन्स्टर को नेवाडा के इंटरस्टेट 80 में देखा गया। ये अजीब सा स्काई मॉन्स्टर एक ड्रैगन और ऑक्टोपस का मिक्सचर था। इस मॉन्स्टर की फोटो मार्गरेट ने खींची थी। उनका कहना है कि उन्होंने ये फोटो तब खींची जब वे अपने बेटे के साथ कहीं जा रही थी। कुछ लोगों का ये मानना है कि इस फोटो को फोटोशॉप किया गया, लेकिन दोस्तों हम आपको बता दें कि ये फोटो 100% बिल्कुल असली है। जब ये फोटो बहुत ही वायरल हुई तो लोगों ने इस पर सवाल भी पूछे। तब नेशनल वेदर सर्विस ने बताया कि ये तो एक तूफान है और उसका ही नतीजा ये मॉन्स्टर बना है। लेकिन कुछ लोगों का ऐसा भी मानना है कि ये मॉन्स्टर जो इस फोटो में दिखाई दे रहा है, वह जरूर कोई धार्मिक संदेश बता रहा है। और कुछ लोगों का ये भी मानना है कि ये हमें फ्यूचर से रिलेटेड कुछ चीजें बता रहा है, या फिर फ्यूचर में क्या होने वाला है उसके बारे में हमें वार्निंग दे रहा है। खैर, इसके बारे में क्या सच्चाई थी, ये तो आज तक अनसुलझी बनी पड़ी है। तो खैर दोस्तों, इनमें से कौन सी घटना आपको सबसे खतरनाक लगी, नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर चैनल पर नए दर्शक हो तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए।
धन्यवाद।